आज तक आपने ऐसी रिमोट से चलने वाली गाड़ी नहीं देखी होगी। अगर देखी होगी तो वो आपके घर में ही होगी। लेकिन ये गाड़ी देखते ही मैं पागल हो गया था, क्योंकि यार ये कैमरा पे ही चढ़ गई। लेकिन ये गाड़ी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी जब मैंने इसको देखा। इसके आगे एक मोटर लगी हुई है जो चाहे वैसी घूमती है, और इसके टायर के अंदर थोड़ी सी हवा भरी गई है। लेकिन अगर आप इसकी हवा निकाल दोगे तो शायद इसमें फिर हवा नहीं भर पाओगे, लेकिन शायद भर भी पाओगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है। ये गाड़ी के लिए देखिए बटन आगे ऊपर नीचे होता है, वहाँ से गाड़ी चालू हो जाती है। इसके अंदर से कोई तो अजीबोगरीब आवाज़ें आती है, और ये डोरे मैनो नाम की कोई तो गाड़ी है, और यह है उस गाड़ी का रिमोट कंट्रोलर या रिसीवर, इसको जो भी कहोगे। इससे गाड़ी आगे जाती है, उससे पीछे भी आती है, और ये राइट लेफ्ट उसकी मोटर को घुमाने के लिए जो भी बची कुची ताकत उस रिमोट कंट्रोल में है। तो ये रिमोट कंट्रोल से गाड़ी तो मैंने नहीं चलाई, लेकिन ये रिमोट कंट्रोल काफ़ी सख्त है। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इसके साथ ज़्यादा छेड़खानी करोगे तो ये फटाक से टूट भी जाएगा। इसीलिए ये रिमोट कंट्रोल मैंने अपने दोस्त को दिया जो कि इस गाड़ी को चला रहा था। तो फिर मैंने बीच में ही इसको खोल के देखने की कोशिश की। इसके अंदर दो डबल ए वाले सेल्स हैं, तो आप उन सेल्स को निकाल के कभी भी चार्ज कर सकते हो, सॉरी नए सेल्स लगा सकते हो। इस गाड़ी के अंदर मुझे लगा कि कोई सेल्स होंगे, लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि इस गाड़ी को चार्जिंग से आप चला सकते हो। यह है उसका चार्जर, और इस चार्जर की वो छोटी सी पिन जो कि आपको घुसानी है गाड़ी के अंदर, और गाड़ी हो जाएंगी स्टार्ट। तो जैसे ही मैं इसको हाथ से घुमा रहा था, वैसे ही उसमें लाइट भी आ रही थी। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक मोटर है, और मोटर को अगर आप उल्टा घुमाओगे तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, और यही तो होता है जनरेटर के अंदर। भाई ये सब भूल जाओ, गाड़ी मस्त उल्टी सुलटी जैसी चाहिए वैसी घूम रही है, और हम कैमरे को भी घुमा रहे हैं जैसा चाहिए वैसा। ये गाड़ी को देख के मुझे इतना ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि बचपन में मैंने कभी ये गाड़ी नहीं देखी थी, और मैं जब बड़ा हुआ तभी भी मैंने ये गाड़ी कभी नहीं देखी थी। इस गाड़ी का रिव्यू बनाने के पीछे कोई भी मतलब मुझे नहीं लग रहा है, लेकिन बस ये जैसी दिख रही है, जैसी ये चल रही थी, वही मुझे आपको भी दिखाना था, क्योंकि आप मेरे दोस्त हो। भले ही आप धीरे धीरे सब्सक्राइब करते हो, लेकिन मैं आपके लिए धपाधप वीडियोस लाते रहता हूँ। और ये गाड़ी देखिए, एक नंबर आलीशान गाड़ी। और ये गाड़ी को मैंने ऐसे ऊपर रख के देखा, और मैंने दोस्त को बोला कुछ कर, तो वो डायरेक्ट इस गाड़ी को घुमाने लग गया, और उस गाड़ी को फिर से चलाने लग गया। इस गाड़ी को आप जैसे भी उल्टा सुलटा फुलटा कैसे भी रखिए, ये गाड़ी अपने आप को ठीक कर देगी और सीधी हो जाएगी। ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी गाड़ी है, और इस गाड़ी से हम सबको एक सीख लेनी चाहिए कि ज़िंदगी में कैसी भी ज़िंदगी अपने को उल्टा सुलटा फुलटा या कैसा भी करके रख दे, हम अपने आप को ठीक से वापस से खड़ा करना चाहिए हमें अपने आप को। क्योंकि ज़िंदगी में अगर हम रुक गए तो फिर ठुक गए, और ठुक गए तो फिर क्या मालूम तुमको भी मालूम नहीं, मुझको भी मालूम नहीं, मैं कह रहा हूँ क्या, जो भी हम कहते हैं साला सीधा वन टेक में कहते हैं। यह है उसका रिमोट कंट्रोल, जैसे कि मेरा दोस्त देखिए उसको चला रहा है, यहाँ वहाँ आपट रहा है, लेकिन उसको कोई फिक्र नहीं है। और इस गाड़ी को अगर चलाते चलाते वो तोड़ देता तो भी मुझे उसे पैसे देने नहीं थे, क्योंकि वो उसी खुद ने तोड़े थे। तो यह है मेरे दोस्त की शॉप, और यह है गाड़ी, और यह है उसका रिमोट, और धपाधप हम चला रहे हैं, और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था इस गाड़ी को चलते हुए देखने के लिए। इस दुकान में बहुत सारे और अलग अलग टॉयज़ हैं, लेकिन आज हम इस टॉय को रिव्यू कर रहे हैं। ये है डोरेमानो नाम का कोई तो है, अजीब सा, अगर आपको ये दिख रहा है तो आप इसको ले लीजिए। ये 360 रोलिंग स्टंट कार है, और इसमें कुछ और रिमोट कंट्रोल्स के कैसे मैनुअल से वो सब बताए गए हैं। और ये जो गाड़ी बनी है वो चाइना में ही बनी है, इंडिया अभी तक ऐसी गाड़ियाँ नहीं बना रहा है, क्योंकि इंडिया ओरिजिनल ऐसी गाड़ी बनाएगा, रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ियाँ हर कोई बनाता है। तो ये गाड़ी अगर आपको लेनी है तो आप ले सकते हैं, किसी और को अगर आप गिफ्ट देना है तो किसी और को आप गिफ्ट दे सकते हैं, वरना फिर इस वीडियो को सोचिए सब्सक्राइब करने का। ये 800 रुपये की गाड़ी है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये आपको 800 में मिलेगी, इससे कम में ही मिलने चाहिए।